सहकार भारती की ओर से सहकारिता भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आज आयोजन हुआ और साथ में बीजेपी सरकार ने आम आदमी की समस्याओं को जानने और सरकारी योजनाओं की हकीकत जांचने के लिए आज ये 3 दिवसीय महाअभियान की शुरुआत की है। और क्या है ये अभियान और कैसे जनता के दरवाजे पर पहुंची है योगी सरकार, देखिए हमारे विशेष संवाददाता अनु त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। सहकार भारती की ओर से सहकारिता भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तकनीक से सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण विषय पर आयोजित कार्यशाला में एसीएस नवनीत सहगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मौके पर ऊपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि तकनीकी का उपयोग प्रशासन ने करके प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ी क्रांति लाई है। 5 सालों में सामान्य जो व्यक्ति है उसके जीवन में तकनीकी के माध्यम से सुधार आया है। तकनीक के सहारे पेंशन गरीब के खाते में सीधा पहुंच रहा है। तकनीक का प्रयोग पारदर्शिता के लिए बहुत उपयोगी है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता हो रही है। जैम पेट्रोल के माध्यम से पूरे देश में सबसे अधिक खरीद करने वाला उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ ODOP में तकनीक के साथ जोड़ा गया। तकनीक का उपयोग प्रशासन में करके प्रदेश सरकार ने एक बहुत बड़ी क्रांति लाई है। पिछले 5 वर्षों में सामान्य जो व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी में उसके जीवन में कितना अच्छा सुधार आया है वो तकनीक के सहारे आया है। अब पेंशन जो है वो गरीब के खाते में सीधे ट्रांसफ़र होती है। जो भी सरकार से बेनिफिट्स हैं किसान को है वो भी सीधे उसके खाते में जा रहा है और वो तकनीक का उपयोग है। तकनीक का उपयोग पारदर्शिता के लिए बहुत आवश्यक है। सरकारी खरीद में पारदर्शिता हो रही है। जेम के माध्यम से जो है पूरे देश में सबसे अधिक खरीद करने वाला उत्तर प्रदेश है। इसी के साथ साथ जो ODOP है उसको भी तकनीक के साथ जोड़ा गया है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा गया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अभी फ्लिपकार्ट ही था, उन्होंने 1 साल में लगभग 1,000 करोड़ के छोटे छोटे उत्पाद ODOP के बेचे हैं। अन्य जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो भी बेच रहे हैं। सहकारिता जो हमारा सेक्टर है, सहकारी जो समितियां हैं उनमें भी तकनीक का उपयोग लाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि तकनीक का उपयोग पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और पारदर्शिता रहेगी तो सहकारी समितियों भी इसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आज गोष्ठी उसी बारे में थी कि सहकारी समितियों में तकनीक को कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि सहकारी समितियाँ भी रिवाइव हों और प्रदेश में सहकारी समितियाँ प्रदेश के विकास में